जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का सालन, आलू रेसिपी। तो ये मैंने बारीक आलू काट दिए, बारीक नहीं, ये मतलब चकोर साइज में, ठीक है, आलू काट दिए। इसके बाद हरी शिमला मिर्च काटी हुई है, बारीक कटी प्याज है, और ये हरी मिर्च है लेकिन इसको मैंने गोल साइज में काटा है, और ये लहसुन है, ये टमाटर है, और ये पुदीना, ये नमक, लाल मिर्च, सब्ज धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, धरा मिर्च और हल्दी। और सबसे पहले ये जो आलू हैं इनको मैं पानी में भिगो के रख दूंगी ताकि ये काला कलर ना छोड़ दे। भिगो के रख दिया, और ये मैंने जो लहसुन था उसको मैंने अच्छे से पीस लिया, और अब आलू से पानी निकाल के ये अब इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी, जो आलू के स्लाइसेस काटे थे डाल के, और पानी अच्छे से निकाल दिए, और घी मेरा तकरीबन गर्म होने वाला है, इसको इसके अंदर अच्छे से भूनूंगी। फिर अब ये जो है ये मैं इसके अंदर सारे डाल दूंगी, और ये मैंने डाल दिए, अच्छी तरह इसको भूनूंगी यहाँ से, और इसको मैं तब तक भूनती रहूँगी जब तक इसका अपना कलर नहीं आ जाता। जैसे हम चिप्स बनाते हैं और चिप्स का हल्का हल्का कलर सा आ जाता है ना, तो उसी तरह मैं इसको अच्छे से भूनती रहूँगी, और इसमें काफ़ी टाइम आ जाए। कहाँ पहुँचे हैं हमारे, तो ये तकरीबन गलने पे तो आ गए हैं, लेकिन इन्होंने कलर नहीं छोड़ा। जब तक ये अपना कलर नहीं छोड़ देते तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और इसको मैंने ना ट्राइंगल की शेप में काटा, ये देखें, और इसका जब कलर आ जाएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे, तब जाके इसको मैं निकाल दूंगी यहाँ से, और अब फिर इसको ढक देते हैं। आप फिर ट्राई करते हैं, ये देखें, इसमें हल्का हल्का सा कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसको तब तक हम पकाते रहेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो इसको मज़ीद पकाएंगे, और मैंने आपको बोला था कि इसमें काफ़ी टाइम आ जाएगा, तो तब तक के लिए हम इसको पकाते हैं। तक मैं छोड़ना शुरू कर दिया, अब इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, हल्का सा घी कम कर दूंगी, और उसके बाद फिर घी मैंने कम कर दिया है, अब इसके अंदर जो मैंने बाहर निकाले थे वो इसके अंदर दोबारा से ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसका मैंने पहले इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी, इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद इसमें जाएगा जीरा, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन की जो पेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें। और अब इसके अंदर जाएगा बारीक कटी प्याज, को करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसके बाद जाएगा जो प्याज है वो हमें स्टार्ट में नहीं डालना क्योंकि वो रेड हो जाती है, उसका कलर निकल आता है, वो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अलग किस्म की रेसिपी है। अब इसके अंदर जाएगा ये जो है शिमला मिर्च, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ओके हो गया, और इसके बाद जनाब जाएगा टमाटर। टमाटर मैंने मोटे स्लाइस में काटे हैं ताकि एंड तक इसमें कुछ ना कुछ लुक रहे, रेड करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें बहुत ही रंग बिरंगे सी मसाला बन रहा है, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का बन रहा है। अब इसके अंदर जाएगा मसाला जार, अब इसके अंदर जाएगा हस्ब ज़रूरत नमक, जितना आप खाते हैं, मैं 3 टीस्पून लूँ। उसके बाद रेड चिली पाउडर, उसके बाद हल्दी, और उसके बाद पिसा धनिया, उसके बाद धड़ा मिर्च। ये आप डालें या ना डालें ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का, ठीक है। अब करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, और बहुत ही 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने पका लिया। अब इसके अंदर जाएगा हल्का सा पानी,
आधा कप पानी का जाएगा इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको कर देंगे, इसको ढक देंगे। और ये मैंने इसको ढक दिया, 6 मिनट तक हो गए हैं। अब इसको चेक करती हूँ मैं और ये देखें पानी इसका तकरीबन सूख चुका है और ये अपना घी इसने छोड़ दिया है। और अब इसके अंदर मैंने जो सॉरी मोटे स्लाइस में जो मिर्च काटी थी वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ये मिर्च ये अब इसके अंदर ऐड मैं कर दूंगी, ऐड इसको करूंगी फिर से मिक्स। और माशाल्लाह से मेरा जो सालन है आलू का जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और दम पे दे देंगे और इसके बाद मेरी जो रेसिपी है वो फाइनली इसका जो लुक है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा 2 मिनट तक इसको दम देते हैं उसके बाद मैं इसको फाइनली आपको मजा आ रहा है। अब इसके एंड में मैं जो है ना ये धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी। ये देखें फाइनली मेरी जो आलू की रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।